Hi, how are you? Hope you're doing fine. This is Kushbu with another question of triangles. This is question number 11, precise 6.3, page number 141 of NCERT. This says, E is a point on side CB produced of isosceles triangle ABC. Ye triangle diya hua hai ABC. BC ko produce kiya hua hai E ka. Ab wo kehta hai ki ABC isosceles triangle hai, jisme AB hamari equal hai AC ke. Ye AB is AC ke equal hai. If AD is perpendicular to BC, ये AD is BC के ऊपर perpendicular, that means ये angle है 90 degree का. And EF perpendicular to AC, EF AC के ऊपर perpendicular है. That means ये angle है 90 degree का. जिसपे ये sine है वो 90 degree angle है. So prove that ABD, ABD, that means ये वाला triangle. ABD is similar to ECF. ECF. So, ये वाला triangle. इन दो triangles को हमें similar करना है. सबसे पहले इसका लिखते हैं given और true proof. So, given है हमें कि AB equal है AC के. अब हम एक चीज बताओ, अगर triangle ABC के अंदर ए बी ए सी के इक्वल है, ये हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर एक ही ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं. सो यहाँ पर बी ए बी सी के अंदर एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा बिकॉज ये दो साइड्स इक्वल है. इसका ऑपोजिट एंगल है बी, इसका ऑपोजिट एंगल है सी. तो ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के. देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल sides of a triangle are equal. So ये हमारे पास हो गया equal. अब आता है true proof. True proof में हमें दिखाना है कि triangle ABD similar है triangle ECF. प्रूफ में आता है इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल ईसीएफ. अब सबसे पहली चीज इस एबीडी के अंदर और इस ईसीएफ के अंदर, एबीडी के अंदर अगर आप देखो तो आ रहा है एंगल बी, ईसीएफ के अंदर आ रहा है एंगल सी. ये एंगल भी एबीडी में आ रहा है, ये एंगल सी ईसीएफ के अंदर आ रहा है. सो ले सकते हैं कि एंगल एबीडी इक्वल है एंगल ईसीएफ के. Given. Second thing, ECF में ये angle है 90 degree का. ABD के अंदर ये angle है 90 degree का. If this is 90, तो ये angle भी 90 होगा. अगर आप linear pair से देखो तो ये angle obviously 90 है. Because straight line है. ये 90 है तो ये भी 90 है. So, हम कह सकते हैं angle ADB is equal to angle EFC each equal to 90 degree. Therefore, triangle ABD is similar to triangle ECF by AA similarity. By AA similarity. So, हमारे पास हो गया triangle similar. तो ये हमें prove करना है. तो सबसे पहले हमने क्या लिया? हमने देखा कि isosceles triangle है. दो sides equal हैं, तो उनके opposite angles equal हो जाएंगे. सेकेंड थिंग, उसमें 90 डिग्री का एंगल लेना है. सो दिस वाज 11th क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 ऑफ एनसीईआरटी. कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज हमें बताइए. जिन जिस स्पेस के बने उसमें लिखिए. एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. गुड बाय.